हे YouTube फैमिली, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम एकदम मस्त। मस्त, तो आप भी हाँ रहो एकदम मस्त। तो गाइज, आज का व्लॉग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ का किला देखने के लिए। और मेरे साथ में है मेरा दोस्त रोहितास, हेलो। ये यहाँ का रहने वाला ही है, को किले के बारे में नॉलेज है जो हमें बताएगा। तो रास्ते में जो भी कवर होगा वो आपको दिखाते जाएंगे। तो चलिए गाइज, चलते हैं किले की तरफ। तो भाई, यहाँ तक आने में हमारी भैया ने हेल्प कर दी है और अब आगे जाएंगे पैदल। थैंक यू सो मच भैया। वेलकम। गाइस, फाइनली हम किले पे पहुंच गए हैं। आप देख रहे हो हमारे पीछे ये जो है, तो चलो अंदर चलते हैं और व्यू दिखाते हैं आपको। गाइस, जैसा कि हम पहुंच गए हैं मेन गेट के ऊपर, अभी जाएंगे अंदर। गाइस, आप देख सकते हो कितना बड़ा किला है और इसका गेट देखो, गेट कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा है गेट। और गेट के ऊपर ये क्या लगा हुआ है? किले लगी हुई है। तो भैया को पूछते हैं ये किले क्यों लगी हुई है। तो भाई रोहितास, मेरा ये डाउट है कि ये किले क्यों लगी हुई है यहाँ? क्या है कि पहले हाथी सबसे ताकतवर जानवर हुआ करते थे। बिल्कुल। तो वो शत्रु सेना के यहाँ पे आते थे हाथी, और वो गेट तोड़ने का प्रयास करते थे। तो हाथी इस गेट को ना तोड़ पाए, क्योंकि हाथी यहाँ पे मार करता था, तो उनको ये किले चुपते थे। तो इसीलिए यहाँ पे किले लगा दिए, ताकि ये गेट को कोई तोड़ ना। अच्छा अच्छा ये है यहाँ का प्रथम गेट, और अब जाएंगे अंदर और अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको। वाओ गाइस, तो देख सकते हैं आप ये किला कितना बड़ा है। बहुत ही बड़ी बड़ी दीवारें दिख रहे हो आप, बहुत ही शानदार दिख रहा है। तो चलो अंदर चलते हैं और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखेगी अंदर। तो गाइस, अभी तो शुरुआत हुई है, शुरुआत में ही इतना मज़ा आ रहा है देखने को, तो अंदर कितना मज़ा आएगा। तो चलो चलते हैं अंदर। तो रोहितास, ये किला देखने में बहुत पुराना लग रहा है। हाँ। तो बताइए ये किला कितना पुराना हो सकता है? ये तकरीबन 1700 साल से ऊपर हो गया इसको। ओ भाई, और ये तो इसकी एक खासियत दिख रही है मेरे को, ये पूरा पूरा जो है ईंटों से बना हुआ है। हाँ, ईंटों से बना हुआ है, ये ईंटों और चूने से बना हुआ है। तो गाइज, गेट से सीधा प्रवेश करते ही हमें सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर दिखा है, ये मेन गेट के ऊपर ही है। तो गाइज, आप देख सकते हो वो है पहला गेट। पहले गेट से अंदर आते ही हमें दूसरा गेट देखने को मिलता है, और ये गेट भी उसी गेट की तरह है, और इसके भी शॉट लेके आपको दिखाते हैं। तो रोहितास, एक डाउट है कि ये पीछे जो एंगल लगी हुई है ना, ये किस काम की है, कैसे लगी? ये जो किला है इसमें थोड़े से दरारें आने लगी है, तो गिरे नहीं, इसके लिए इसके सपोर्ट दी हुई है इसके। अच्छा अच्छा तो भाई, अभी हमने देखा दूसरा गेट, और अब आ रहा है आगे तीसरा गेट। तो तीसरा गेट देखते हैं कैसा है। तो गाइस, अब हम आ गए किले के बिल्कुल अंदर। तो अब किले को पूरा घूम के हम देखेंगे। तो रोहितास, मैंने आपको ये पूछा ही नहीं कि ये किले का निर्माण किसने करवाया, तो बताइए इस किले का निर्माण किसने करवाया है? ये जो जैसलमेर के राजा थे, राजा भूपत सिंह भाटी, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। तो गाइस, देख सकते हो आप किला बहुत ही बड़ा दिख रहा है। तो रोहितास, ये किला लगभग कितना फैला हुआ हो सकता है? ये पूरे 52 बीघा के अंदर बनाया हुआ। ओ भाई साहब, बहुत बड़ा है ना। और इसके अंदर 52 बुरुज भी बने हुए हैं पूरे के पूरे, जो आप दीवारों पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलो दिखाते हैं बुरुज भी। गाइस, यहाँ पर बहुत सारे ब्रिज बने हुए हैं और बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई है, एक कुआं दिखाई दे रहा है। तो
देखते हैं, और बहुत सारे मंदिर भी यहाँ पर बने हुए हैं, तो एक एक करके सब आपको दिखाएंगे और चलते हैं आगे। तो जैसा कि गाइस आप देख रहे हो मेरे पीछे ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज के अंदर ये खाइया बनी हुई है। तो ऐसे ही ऐसे ब्रिज जो है पूरे 52 ब्रिज इस पूरे किले के अंदर बने हुए हैं। तो रोहिता जैसा कि ये दिख रहे हैं सुरंगे दिख रही है, सुराग दिख रहे हैं, तो ये सुराग कैसे है, क्यों बनाए हुए हैं? ये क्या है कि जो भी दुश्मन सेना इस किले पे हमला करती थी ना, हाँ, तो उसके लिए थे, क्योंकि सामने जो भी शत्रु सेना आ रही होती थी तो उसको टारगेट करने के लिए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से भले रखे जाते थे, गन पॉइंट, हाँ, गन रखे जाते थे, है ना? अगर पास में से दिखाए इसको, जैसा कि तुम देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल सामने जो भी दूर तक दिखाई दे जाते थे शत्रु सैनिक, उनको मारने के लिए यहाँ पे उसको लेते थे उपयोग में। ऐसा कैसे नीचे भी बना हुआ है, अगर दीवार के पास में अगर कोई भी शत्रु सैनिक आता है तो उस पे भी अटैक कर सकते थे यहाँ से। तो गाइस जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो ये ब्रिज बना हुआ है, गाइस ऐसे ही ब्रिज किले के चारों तरफ बने हुए है, और इन सभी ब्रिज के ऊपर ये गन पॉइंट भी बने हुए हैं दुश्मन को टारगेट करने के लिए। तो गाइस अब हम जा रहे हैं इससे आगे और पूरा ये पार्क वगैरह दिखाते हैं और आगे एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि गाइस आप देख रहे हो मेरे पीछे एक सुंदर सा बगीचा बना हुआ है, ये रास्ता पूरा पूरा इस किले के अंदर बना हुआ है। तो गाइस जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर पीछे दीवारें और इधर एक पार्क बना हुआ है। तो रोहितास इसमें सिर्फ पार्क और दीवार ही क्यों है, महल वगैरह किधर है? महल वगैरह नहीं है यहाँ पे, पहले कमरे वगैरह हुआ करते थे, इसके अंदर 3 बस्तियाँ बसी हुई थी। अच्छा, ये ब्राह्मण थे, मुस्लिम थे और जैन थे, ये 3 बस्तियाँ थी। यहाँ पे घर बने हुए थे पर वो क्षतिग्रस्त हो गए। अच्छा, अभी बाकी ये सिर्फ दीवारें बची हुई है, अभी यहाँ पे सिर्फ ये मंदिर बचे हुए हैं जो पुराने टाइम के हैं। जैसा कि ये दीवार देख रहे हो आप, ये दीवार एक टाइम में पूरी पूरी टूट गई थी और इसको वापस दोबारा बनाया गया है। ये दीवार जो है पूरी नई लग रही है, इस दीवार को देखिए आप, ये पूरी पूरी टूटी हुई लग रही है। तो इसका निर्माण कार्य जारी है और ये दीवार पूरी नई बनाई हुई है। अब आपको दिखाएंगे इस किले से हनुमानगढ़ का व्यू कैसा दिखता है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा हनुमानगढ़ का व्यू है। तो गाइस इधर दीवार जो है बहुत ज्यादा टूटी हुई दिख रही है। ओ भाई साहब, इधर तो पूरा रिस्क है, पूरी की पूरी दीवार जो है टूटी हुई है, कितना बड़ा गड्ढा बना हुआ है। ये जो ब्रिज था पूरा का पूरा टूट के नीचे गिर गया है। जैसा कि गाइस वो वहां पर आप देख रहे हो, वहां से इसको वापस दोबारा बना रहे हैं। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find. गाइस जैसा कि अभी आपने देखा कृष्ण भगवान का मंदिर, और अभी सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है, तो रोहितास वो मंदिर कौन से देवताओं का है? ये शिव भगवान का मंदिर है, और जो आप पास में देख रहे हो ना ये जैन मंदिर है। अच्छा, इन दोनों मंदिर को भी आप अंदर से देखेंगे। I think that we've all had enough.
रामदेव जी का मंदिर है, इसी के पास में ये है करणी माता का मंदिर। दोस्तों आपको जाते हुए हमने कुआं नहीं दिखाया था, तो वो आते हुए अभी दिखा रहे हैं। तो गाइस ये ऐसा कुछ यहाँ से नजारा कुएं का दिखाई दे रहा है। गाइस ये कुआं गहरा बहुत है, ये देखिए। अंकल जी ने डरा दिया हमको। ये जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम है। गाइस यहाँ पे पानी भरने के लिए था, मटके वगैरह भरने के लिए। और ये आप जो होल देख रहे हो, यहाँ पे बालियां लगी हुई थी जिसपे एक भैया घूमता था रस्सी के सहारे, वहीं से पानी निकाल दिया जाता था। गाइस ये पहले के कमरे यहाँ पे अभी बचे हुए हैं, जो बस थोड़े रह गए हैं यहाँ पे कमरे, बाकी सब ध्वस्त हो चुके हैं। कुछ कुछ कमरे हैं जो बचे हुए हैं। जैसा कि गाइस आज आपने देखा हनुमानगढ़ का भटनेर दुर्ग, और अब अंधेरा पड़ने लग गया है, तो अभी हम जाते हैं वापस घर। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो एक लाइक ठोक दीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। तो गाइस जैसा कि क्या बोला तूने? तो गाइस जाते हुए हमने आपको कर। मैं आशा करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए,